आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बोल रहा है derive an expression for the instantaneous acceleration of a particle executing shm find the position where acceleration is maximum and where it is minimum देखिए गाइस क्या बोल रहा है बोल रहा है कि कोई भी पार्टिकल अगर एस एच एम परफॉर्म कर रहा है तो हमें उसके एक्सेलरेशन के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन डेराइव करना है एक्सप्रेशन डेराइव करना है और पोजीशंस बतानी है जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन जान लेते हैं एस एच एम की कोई भी पार्टिकल अगर डेल्ट डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर देखिए डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है ये एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और कोई भी मोशन कोई भी पार्टिकल अगर अपने मोशन के दौरान इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सो so डेफिनेटली उसको हम लोग बोलेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ठीक है गाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के लिए ये एसेंशियल कंडीशन होती है ठीक है कि डेल टू एक्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को वो मोशन जो है वो पार्टिकल जो है वो सेटिस्फाई करे जहाँ पे एक्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है ओके और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ठीक है या फिर कोई भी एक कॉन्स्टेंट समझ सकते हैं ठीक है गाइज तो देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है बट इसका जो सोल्यूशन आता है सॉल्व करने के बाद वो आता है एक्स इक्ल टू ए साइन ओमेगा टी ठीक है यहाँ से हमें जो इसको सॉल्व करने के बाद सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है एक्स की वो मिलती है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ठीक है गाइज तो अगर इसको एक बार हम लोग और डिफ्रेंशिएट करें ठीक है एक्स को अगर हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा देखिए हमें मिल जाएगी वेलोसिटी क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है यानी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा ठीक है ये रिलेशन हमें मिल जाएगा इस वेलोसिटी का और एक्सलेशन अगर चाहिए तो हमें फिर से वेलोसिटी को एक बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ठीक है यानी डी बी बाई डी टी ओके okay? और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ठीक है यानी से हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन मिलता है एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ठीक है गाइज और ये जो है ये हमारा एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का विद टाइम ओके एक्सेलरेशन का रिलेशन है विद टाइम अगर हम लोग इसको देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन कह दू

वो भी मैक्सिमम हो जाएगा ठीक है अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है कोई भी पार्टिकल है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है ये उसका मेन पोजीशन है ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन प्लस है और ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन माइनस है ठीक है कोई भी पार्टिकल अगर एस परफॉर्म कर रहा है सिंपल हारमोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू एक्स की क्या हो सकती है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है देखिए ये मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग एक्स कहते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ए ए एक्स इक्वल टू ए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी फॉर विल बी फॉर एक्स इक्वल टू ए ठीक है या फिर ऐसा कह सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए ठीक है ऐसे हुआ ठीक है गाइस ये माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि यह हमें बताता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन होगा इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ठीक है इस माइनस का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स ठीक है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए गाइज एक्स इक्वल टू ए होगा ठीक है इससे ज्यादा एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है यानी ए मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर और ये कहाँ होगा एक्सट्रीम पोजिशन पर ठीक है गाइज ये होगा एक्सट्रीम पोजिशंस पे एमेगा स्क्वायर ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर है ठीक है और अगर बात करते हैं मिनिमम की तो मिनिमम गाइज यहाँ पे देखिए अगर एक्स की वैल्यू जीरो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो ए मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो जी, होगी जीरो और ये कहाँ पे होगा एक्स इक्वल टू जीरो यानी मेन पोजिशन पे इसका मतलब मेन पोजिशन पे जो एक्सेरेशन होगा वो मिनिमम होगा जीरो के बराबर होगा कोई फोर्स नहीं लगेगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारा होगा पार्टिकल का जो मैक्सिम होगा वो मैक्सिमम होगा और ए स्क्वा स्क्वायर के बराबर होगा होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर